नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं, जहां पिथौरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में त्रिवेंद्र सरकार के लिए नाक का सवाल ये बन चुका है। जहां उपचुनाव में भाजपा की अग्नि परीक्षा होगी, वहीं कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव संगठन के रिव्यू की तरह होगा। यही वजह है कि कांग्रेस भी इस चुनाव को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी के चलते सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। पिथौरागढ़ विधानसभा के क्षेत्र में रावल जनसंपर्क करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे। वहीं 19 नवंबर को पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में जनसभा का भी आयोजन किया गया है। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अजीत राठी इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं देहरादून से, उनसे जानकारी लेते हैं। अजीत, देखा जाए तो कुल मिलाकर ये नाक का सवाल तो बन ही चुका है, आज से हरीश रावत भी पहुंच जाएंगे ग्राउंड पर, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए स्नेहलता, जो जैसा अभी आपने बताया हमारे दर्शकों को कि किस तरह से ये दोनों दलों की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है, तो आज से हरीश रावत वहाँ लगातार कैंप करेंगे, लोगों से जनसंपर्क करेंगे, जनसभाएं करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे। इसके बाद जो है 23 तारीख को मुख्यमंत्री की रैली वहाँ पर प्रस्तावित है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता वहाँ मैदान में उतरे हुए हैं अपनी जो प्रत्याशी को विजय दिलाने के लिए। लेकिन एक मैं आपको थोड़ा सा इनपुट बता देना चाहता हूँ, जैसा वहाँ से इनपुट मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को जो गलतफहमी हो रही है कि सहानुभूति की लहर पर सवार होकर चुनाव जीता जा सकता है, तो ऐसा थोड़ा सा अभी मुश्किल लगता है, क्योंकि वहाँ मामला बहुत नेक टू नेक हो गया है। अच्छा। तमाम लोगों से जितने लोगों से भी बातचीत हुई है, वो पॉलिटिकल हो या गैर राजनीतिक हो या सोशल वर्कर हो या वहाँ के लोकल लोग रहने वाले हो, तो वो यही है कि दोनों के बीच बड़ी जबरदस्त टक्कर हो रही है। अच्छा। और दूसरी स्थिति ये है कि जो कांग्रेस की उम्मीदवार है अंजू लुंठी, तो वो अभी जिला पंचायत चुनाव निर्विरोध जीती है, उससे पहले ब्लॉक प्रमुख रह चुकी है। और जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है चंद्रा पंत, वो प्रकाश पंत जी की पत्नी हैं, उनकी विरासत के लिए लड़ रही हैं। तो देखिए दोनों का ही फर्क बस इतना सा है कि एक पहले से ही खांटी राजनीतिक है और एक अभी विरासत के लिए लड़ रही है, जिसलिए भारतीय जनता पार्टी उम्मीद लगाए बैठी है। तो ये चुनाव तो बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, जिस तरह से वहाँ चुनाव की डायरेक्शन डाइवर्ट हो रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी को जो है नए सिरे से रणनीति बनाने पर विचार किया जा रहा है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम दावे करें और बिल्कुल सामने खड़े होकर कहें कि नहीं, हम एक तरफा जीत रहे हैं, लेकिन जैसा वहाँ आम पब्लिक से, आम लोगों से इनपुट है, वहाँ मुकाबला बहुत ही रोचक हो रहा है। और इसके लिए दोनों दलों ने पूरी तैयारी की है। प्रीतम सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और लीडर अपोजिशन इंदिरा हरदेश, वो लगातार वहाँ कैंप कर रहे हैं। जो मयूख मेहर वहाँ से, जो जिनको कांग्रेस चुनाव लड़ाना चाहती थी वो नहीं लड़ पाए अपनी बीमारी की वजह से, वो पूरी तरह से वहाँ प्रत्याशी के साथ खड़े हैं। जैसा भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता था कि मयूख मेहर सक्रिय नहीं होंगे तो कांग्रेस को लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन वो पूरी तरह सक्रिय हैं। अच्छा, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी। तो कुल मिलाकर ये चुनाव, जो भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तराखंड में सरकार है, तो उसके लिए एक बैरोमीटर जैसा होगा, उसका एक ऐसा सिंबॉलिक टेस्ट होगा कि जैसे भारत सत्तारूढ़ दल के कामकाज की भी जो एक मतलब एक सीमा तय हो जाएगी कि किस तरह का काम हुआ, एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में उसको देखा जा सकता है। और कांग्रेस जहाँ बिल्कुल, जो अभी पंचायत चुनाव हुए हैं, आपने देखा होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी को पीछे तो नहीं कर पाई, लेकिन अपनी स्थिति में सुधार किया है। तो और उस लिहाज से, चूंकि पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा हरीश रावत के मतलब गृह क्षेत्र जैसे हैं, वहां से वो पांच बार सांसद रह चुके हैं, और तो इसलिए ये माना जा रहा है कि मुकाबला और कड़ा होने के आसार है। जी बिल्कुल, देखिए आपने ये बताया भी अजीत कि उनका क्षेत्र भी है और वो खुद भी मौजूद रहेंगे और प्रचार के लिए तैयारियां करेंगे, लेकिन इसके अलावा ऐसा लोगों के अंदर क्या, जनमानस में क्या भावना तैयार हुई? क्योंकि देखिए उपचुनाव है तो सीधे तौर पे वो अपनी समस्याओं को कोर्ट करेंगे, अपने भलाई को देखते हुए ही वोट करेंगे, तो आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो कांग्रेस के साथ हैं? देखिए, एक तो मयूख मेहर की हार जो पिछले चुनाव में प्रकाश पंत से हारे, जो कि मयूख मेहर वहाँ के बहुत ही दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं, उनकी हार लोगों को वहाँ जो उनके समर्थक हैं उनको पच नहीं रही है। और मयूख मेहर ने जिस तरह से पूरा सपोर्ट अंजू लुंठी को दे दिया है और दिन रात उसके लिए काम कर रहे हैं, तो उनके समर्थकों को लगता है कि यह बदला लिया जा सकता है। और एक बहुत सियासी गणित मैं आपको बताता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस सियासी लहर पर सवार होकर चुनाव जीतना चाहती है, जो सहानुभूति होती है उसका एक दायरा होता है, एक समय सीमा होती है, और प्रकाश पंत के निधन को अब काफ़ी दिन हो गए हैं। जो अगर ये चुनाव 3 महीने पहले हो गया होता तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा वाकई भारी होता, क्योंकि स्थिति वो घटना बहुत ताज़ा थी और लोगों के
जहन में बची हुई थी, लेकिन फिलहाल चुनाव बिल्कुल आम चुनाव की तरह हो गया है और वहाँ दोनों दल अपनी प्रतिष्ठा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और नेक टू नेक मुकाबला है। जी बिल्कुल अजीत, और इसीलिए आज हरीश रावत का पहुंचना, वहां पर चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंकना, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए भाजपा का भी एक अपना तौर तरीका रहा है, वो चुनाव जीतने के लिए जिस तरह की बूथ से लगाए काम करते हैं ग्राउंड पे, उसकी कैसी तैयारियां हैं, क्या वो उसी पैटर्न पे चले आ रहे हैं या कुछ नया देखा जा रहा है इस सीट के मद्देनजर? स्नेहलता एक ही सीट पर चुनाव है जी, और ये उपचुनाव है, चूंकि इस बीच कई चुनाव हो भी चुके हैं, पंचायत के हो चुके हैं, दूसरी चुनाव हो चुके हैं, तो वो उस तरह की जो जिस तरह की रणनीति आम चुनाव में होती है, इस तरह की एक उपचुनाव में मुश्किल हो जाता है। और लेकिन जो फोकस करके, जो पॉकेट वाइज फोकस करके चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी नीति पर है और जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है उनको उनकी कई बार वहां जाकर के बैठकें भी हो चुकी हैं और जो बड़े नेता हैं लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो रुड़की में नगर निगम चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, 12 नवंबर को मतदान होना है, इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। निगम क्षेत्र को 2 जोन 12 सेक्टर्स में बांटा गया है। आपको बताएं कि इस बार निगम में 40 वार्डों में चुनाव होना है, 1,40,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मेयर पद के लिए 10 उम्मीदवार और पार्षद पद के लिए 212 उम्मीदवार मैदान में है। 24 नवंबर को मतगणना होगी, जिसके साथ ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। वहीं चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए प्रशासन लगातार पोलिंग बूथों और मतगणना स्थल का निरीक्षण भी कर रहा है। सारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है लगभग। हमारा जो काउंटिंग हॉल है BSM इंटर कॉलेज और वुमेन्स BEd कॉलेज में तय किया जा चुका, उसका हमने अधिग्रहण किया जा चुका है। काउंटिंग हॉल स्ट्रांग रूम्स वहाँ बना दिए गए हैं और सारी तैयारियाँ पूर्ण है। 40 वार्ड्स हैं हमारे यहाँ पर, उसके अतिरिक्त जो हमारे मेयर चुनाव हैं वो भी साथ साथ हो रहे हैं, तो इसमें कोई कोताही नहीं बरती गई, सारी तैयारियाँ पूर्ण कर लिया जा चुकी। और रुद्रप्रयाग में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। हरक सिंह रावत ने कहा कि राज्य में 5 लोकसभा सीट जीतने का श्रेय केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के बलबूते लोकसभा सीटें नहीं जीती गईं, ये कहना बेवकूफ़ी होगा कि प्रदेश सरकार के दम पर 5 सीटें आई हैं। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के ऐतिहासिक काम को देखते हुए वोट किया है। इसके साथ ही उन्होंने पलायन के मुद्दे पर कहा कि पलायन सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, पलायन को लेकर कई तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं, सरकार इस मसले पर गंभीरता से सोच विचार कर रही है। मोदी जी का, अमित शाह का, केंद्र नेतृत्व का करिश्मा है हमारा। देखो, हमको अगर गलतफहमी हो कि हाँ हमारे वजह से जो है प्रदेश सरकार की वजह से या प्रदेश की वजह से 5 सीटें जीते हैं, ये बेवकूफी हमारी 100% बेवकूफ है। और हम इस सोचते हैं ये 100% है मोदी जी के और अमित शाह जी का, यह केंद्रीय नेतृत्व का करिश्मा है या उनका काम है जो उन्होंने जो है माहौल बनाया देश के अंदर और लोगों ने भरोसा किया है। उत्तराखंड में एक नए राजनीतिक दल के गठन की शुरुआत हो गई है। इसके लिए नई टिहरी में एक बैठक की गई और सबसे सुझाव भी मांगे गए हैं। इस नए राजनीतिक दल के गठन को लेकर पूर्व पर्यटन मंत्री दिनेश धनय अहम भूमिका निभा रहे हैं। अभी पार्टी के गठन की प्रक्रियाओं औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। इस दल का गठन दिसंबर या जनवरी तक हो जाएगा। पार्टी का नाम उत्तराखंड जन एकता पार्टी होगा। पार्टी गठन को लेकर बैठक में पूर्व पर्यटन मंत्री दिनेश धनय ने कहा कि जनता के सहयोग से ये पार्टी राज्य में तीसरे विकल्प के रूप में उभरेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी उत्तराखंड के जल, जंगल, जमीन, पलायन पर रोक, रोजगार, अन्य स्थानीय मुद्दों को लेकर संघर्ष करेगी। मुद्दे जल, जंगल, जमीन और जो बेरोजगारी है, पलायन है, और सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तराखंडियत जो उत्तराखंड में दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही। और पार्टी का नाम हमने उत्तराखंड जन एकता पार्टी का नाम दिया है और ये कार्यकर्ताओं की तरफ से आए, बड़े सबके बीच में, सारे कार्यकर्ताओं के बीच में सबके सुझाव से निर्णय लिया गया। उसमें और बहुत से निर्णय थे, लेकिन चूँकि पार्टी का था कि पार्टी का नाम क्या रखा जाए, हम कुछ और सोच रहे थे, कार्यकर्ता कुछ और सोच रहे, लेकिन सर्वसम्मति से फिर ये हुआ कि उत्तराखंड जन एकता पार्टी इसका नाम रखा जाए। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा का समापन हो गया है। अब अगले 6 महीने तक बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना बंद रहेगी।
कहा जाता है कि बद्रीनाथ में साक्षात भगवान नारायण हर पल विराजमान रहते हैं। मान्यता है कि जिसने बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लिए उसके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इसी कामना के साथ देश भर से लाखों की संख्या में तीर्थयात्री बद्री विशाल के दर पर आते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब 6 महीने बाद ही बाबा बद्री विशाल अपने भक्तों को दर्शन देंगे। कपाट बंद करने की प्रक्रिया हफ्ते भर पहले शुरू हो जाती है। मान्यता के मुताबिक सबसे पहले गणेश जी को नारद मुनि को सौंपा जाता है, जिसके साथ ही भगवान गणेश की पूजा बद्रीनाथ धाम में बंद कर दी जाती है। इसी दिन से बद्रीनाथ जी में पंच पूजा भी शुरू हो जाती है। इसके साथ ही वेद श्रृचाएं भी बंद कर दी जाती हैं, जिसके बाद आदि केदार के कपाट बंद होते हैं। कपाट बंद होने से एक दिन पहले मुख्य पुजारी रावल स्त्री रूप रख माँ लक्ष्मी को न्योता देने जाते हैं। मंदिर से शंकराचार्य जी की गद्दी को जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में ले जाया जाता है, जहां पर शंकराचार्य जी की गद्दी की पूजा बद्री विशाल के प्रतीक के रूप में होती है। वहीं कुबेर और उद्धव जी डोली पंडुकेश्वर मंदिर में स्थापित होती है। कपाट खुलने के मौके पर शंकराचार्य जी, गद्दी, कुबेर और उद्धव जी की डोली मंदिर के मुख्य पुजारी रावत की अगुवाई में बद्रीनाथ मंदिर आती है। मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में करवाया था, जिसके बाद 16वीं सदी में गढ़वाल के राजा ने मूर्ति को उठवाकर उस जगह पर रखवा दिया जहां आज बद्रीनाथ मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप में बटा है। बद्रीनाथ के मंदिर के अंदर 15 मूर्तियां हैं। इनमें भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा भी है। शीतकाल के दौरान हर साल बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की परंपरा चली आ रही है, जिसे आज भी उसी रीति रिवाज के साथ निभाया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम से नितिन की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में हुए छात्रवृत्ति घोटाले की जांच अब जिला मुख्यालय रुद्रपुर और बाजपुर पहुंच चुकी है। एसआईटी ने दोनों ब्लॉक में समाज कल्याण द्वारा लिए गए छात्रवृत्ति की जांच शुरू कर दी है। पहले दिन एसआईटी ने दोनों ब्लॉक में 10 छात्रों से पूछताछ की, उनके बयान दर्ज किए गए और अब तक एसआईटी ने 800 से ज्यादा विद्यार्थियों से पूछताछ कर ली है, जिसमें ज्यादातर मामले फर्जी ही पाए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश के 12 जिलों में एसआईटी दशमोत्तर छात्रवृत्ति घोटाले की जांच कर रही है, जिसमें उधम सिंह नगर जिले के जसपुर, बाजपुर और सितारगंज में एसआईटी ने 9 निजी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ और दलीलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में एसआईटी 6 ऐसे दलाल हैं जिन्हें गिरफ्तार करके जेल भी भेज चुकी है। तो इन दलालों की धरपकड़ का सिलसिला शुरू है। एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है, इन दलालों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। जेल भेजने की शुरुआत भी हो चुकी है। लगातार एसआईटी का जो गठन किया है, उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जाके, पहले जसपुर में, बाजपुर में, सितारगंज में, सब जगह छात्रों के जाके बयान दिए जा रहे हैं कि उनके द्वारा एक्चुअल में छात्रवृत्ति ली गई है या नहीं ली गई है। उसके आधार पर जो गलत पाए जा रहे हैं छात्र, किस इंस्टीट्यूट से उनके पेपर आए हैं, कहाँ से छात्रवृत्ति का भुगतान हुआ है, वो देख के उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराने की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ तकरीबन 9 FIR दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसमें जो दलाल हैं, जो इंस्टीट्यूट वाले हैं, उनकी भूमिका पे ऑलरेडी जाँच चल रही है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और आगे और गिरफ्तारियाँ होंगी। और उधम सिंह नगर में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। उधम सिंह नगर में बुजुर्ग की पिटाई की खबर एबीपी गंगा पर दिखाए जाने के बाद दिनेशपुर थाना पुलिस ने मामले को संज्ञान लिया है
और पिटाई करने वाले आरोपी शुभम मंडल और प्रदीप मंडल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल कुछ दिन पहले दिनेशपुर के वार्ड नंबर 6 में रहने वाले बुजुर्ग दिलीप मंडल की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें दिलीप मंडल को उसका बड़ा भाई और बेटा पीटते हुए नजर आ रहा था। ये देखिए, अमानवीय तस्वीरों के वायरल होने के बाद एबीपी गंगा ने भी सवाल उठाए थे और अब जाकर खबर का असर हुआ है, कार्रवाई हुई है। बागेश्वर में गिरे छेना अल्मोड़ा सोमेश्वर स्टेट हाईवे 40 पर भारी भूस्खलन के चलते पिछले कई दिनों से ये बंद है। मोटर मार्ग बंद होने से करीब 22 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कटा हुआ है। लोगों को बड़ी दिक्कत है। पहाड़ी के इस हिस्से का भूगर्भीय सर्वेक्षण भी कराया गया, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकल नहीं पाया है। विभाग की लापरवाही पर विधायक चंदन राम दास ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने देहरादून में विभाग के उच्चाधिकारियों से भी बातचीत करके जल्द मोटर मार्ग को सुचारू करने की बात कही है। उससे और जिलाधिकारियों से वार्ता हुई है, तो उसमें देखिए सोमेश्वर गिरेछेना जो मोटर मार्ग है हमारा, इसमें लगातार स्लाइडिंग हो रही है, इसमें टो इरोजन भी है, मतलब नीचे की तरफ से भी सड़क जा रही है और ऊपर की तरफ भी जो है हिल साइड पे वहाँ पर भी काफ़ी लंबी लंबी दरारें इसमें पड़ चुकी हैं। विभाग से हमारी बात हुई है, विभाग इसमें ये कह रहा है कि इसमें जो एस्टिमेट इनका तैयार हो रहा है अराउंड 1 करोड़ प्लस का जा रहा है, जिसमें टोटल वर्क जो है 1 करोड़ प्लस में ही हो पाएगा। हमने फिलहाल विभाग को क्या ये कहा है कि तत्कालिक प्रवृत्ति में ताकि रोड ओपनिंग हो जाए और हमारा ट्रैफिक थ्रू हो जाए, उसके लिए आप इसमें विभागीय बजट की आप जो है व्यवस्था करें। देहरादून पुलिस ने एक अच्छी पहल की है। नाइट ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के लिए अब चाय बिस्किट की व्यवस्था की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अरुण मोहन जोशी का कहना है कि सर्दी की रातों में पुलिस की लेट नाइट चेकिंग टीम के लिए ये जरूरी था। 4 चेकिंग जोन में करीब 200 पुलिस कर्मियों की नाइट ड्यूटी होती है। जोनल अधिकारी की अब इस मीटिंग मॉनिटरिंग भी करेंगे और एसएसपी का कहना है कि बीते दिनों हुई घटनाओं के बाद चेकिंग को और प्रभावी बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है, ताकि रात के समय जवान सजगता से काम कर सकें। देहरादून में नगर निगम ने इनकम बढ़ाने का नया तरीका ढूंढ लिया है। निगम अब सरकारी विभाग की संपत्ति पर टैक्स लगाने जा रहा है। पहले आम पब्लिक से ही हाउस टैक्स और कमर्शियल टैक्स वसूला जाता था। मेयर सुनील उलियाल गामा ने टैक्स डिपार्टमेंट को आदेश दिए हैं सभी इंस्पेक्टर्स को सर्वे पर लगाएं, सभी सरकारी भवनों की रिपोर्ट 1 महीने के अंदर निगम को दें। चालू फाइनेंशियल ईयर में हाउस और कमर्शियल टैक्स का टारगेट पूरा करने के लिए 75 करोड़ रुपये का टैक्स वसूली का एम था, लक्ष्य था। वित्तीय वर्ष में 30 करोड़ का टारगेट रखा गया था, जिसे निगम ने पूरा भी कर लिया, लेकिन इस बार 2.5 गुना ज़्यादा टैक्स वसूली का टारगेट है। मेयर का कहना है कि नए वार्डों में फिलहाल हाउस टैक्स की छूट रहेगी, केवल कमर्शियल टैक्स ही वसूला जाएगा। नए वार्डों के लिए तो सरकार ने 10 साल की छूट कर रखी है। जो कमर्शियल जो टैक्स उनसे लेने हैं, उनसे जो है उनके पास जो है निगम की टीम जा रही है और उनसे जो है टैक्स जो है कमर्शियल उनसे भी लिया जाएगा। हरिद्वार में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बावरिया गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हरिद्वार ज्वालापुर सिडकुल रानीपुर और कनखल थाना क्षेत्र में इस गिरोह ने चेन स्नेचिंग की कई घटनाओं को अंजाम दिया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है। पुलिस इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुट गई। रखे हैं और इनसे जो है 4 चेन हमने बरामद किया है। इसका अधिक जो है जो घटना में प्रयुक्त हुए 3 मोटरसाइकिल हमने बरामद किया है। तो गंभीर घटना है, इसमें जो है इनका घटना क्राइम करने का भी तरीका है कि जिस महिला जो अकेले रहते किसी दुकान में घर पे, उन्होंने उधर जाके इन्होंने उनका स्टैंड शैंशन किया। इस वजह से जो है थोड़ा सा लोगों के अंदर भी एक भया का माहौल था। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बद्रीनाथ से लौट रहे टेम्पो ट्रैवल वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें 13 लोग सवार थे। हादसे में सभी लोगों को मामूली चोटें आई हैं। ये सभी यात्री बद्रीनाथ धाम से दर्शन करके लौट रहे थे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।
सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpgangaट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpgangaट्विटर।